हाय गाइस, वेलकम टू बॉलीवुड डिजिटली न्यूज। मैं शीतल कावा आप सबका स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबर। बिग बॉस 14 में हो चुका है दो बड़े झगड़े। पहला तो जासमीन और राखी के बीच और दूसरा राहुल वैद्य और अर्शी के बीच। तो हम पहले बात करते हैं राखी और जासमीन के बीच हुए झगड़े के बारे में। राखी ने किया सबके साथ झगड़ा। राखी के अगेंस्ट खड़े रह गए अली गोनी, जासमीन और अभिनव। ऐसा तो राखी ने क्या कर दिया जो जासमीन को आ रहा है इतना गुस्सा। न्यू प्रोमो में ये दिखाया गया है कि राखी बोल रही है मेरा नाक तोड़ दिया और अब मुझे सर्जरी करवानी पड़ेगी। पर जासमीन को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। उसको लगता है कि राखी सिर्फ एक नाटक कर रही है। वो एक नंबर की नौटंकी है और वो सिर्फ मगरमच्छ के आंसू गिराती है। आपको क्या लगता है कि राखी इस बार भी कोई एक नाटक रच रही है या इस बार ये सच है? आपको क्या लगता है ये हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अब बात करते हैं राहुल वैद्य और अर्शी के बीच हुई लड़ाई के बारे में। राहुल ने ऐसा तो क्या बोल दिया जो अर्शी को आया इतना गुस्सा। दूसरे प्रोमो में ये दिखाया गया है अर्शी बोल रही है राहुल को कि तू एक नंबर का नल्ला है और तू औरत की इज्जत करना सीख ले। और साथ ही में राहुल के ऊपर इल्जाम लगाते हुए बोला कि बिग बॉस ये बॉडी शेमिंग कर रहा है। पर जहां राहुल वैद्य अपने शब्दों पर डटे हुए हैं और वो बोल रहे हैं कि मैं अपने शब्दों पर कायम रहूंगा। अगर आपको जानना है कि राहुल वैद्य ने ऐसा तो क्या बोल दिया जिससे अर्शी को इतना गुस्सा, तो आज का एपिसोड देखना ना भूलिएगा 10:30 बजे। तो ये थी आज की खबर। मनोरंजन की हर एक अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर कीजिए।